गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट थर्ड ऑफ अवर वीडियो लेक्चर। वी आर स्टार्टिंग विथ अवर एसपीएल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। वी आर ऑन अवर चैप्टर डिस्क्रिमिनेशन, ऑलरेडी कवर्ड टू पार्ट्स, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन की डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मतलब रिफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबल देन अदर, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या क्या पढ़ा कि क्या रीजन हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो हमने स्टेरियोटाइप पढ़ा, स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, एक फिक्स्ड आइडिया हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप या इंडिविजुअल के बारे में रखते हैं जो कि प्रायर एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। ये क्या होता है, प्रेजुडिस होता है। या फिर हमने एक चीज और पढ़ी, ये क्या होता है, स्टेरियोटाइप होता है। फिर हमने पढ़ा प्रेजुडिस, प्रेजुडिस क्या होता है, प्रेजुडिस में मतलब नेगेटिव ओपिनियन रख लेना, मतलब बिना किसी किसी बंदे के फैक्ट के बारे में जानना एक एक ओपिनियन ऑलरेडी फ्रेम कर लेना उसके रिलीजन्स को लेके, कलर को लेके, स्किन के कलर को लेके, कहां से वो आया है, एसेंट्स, इसके लिए हमने एग्जांपल भी देखा था। फिर एक और होता है इनइक्वलिटी, ये भी हमने देखा था कि इनइक्वलिटी मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये फैक्टर्स होते हैं इनइक्वलिटी के लिए। नाउ इन टूडेज लेक्चर व्हाट वी विल गोइंग टू कवर, वी विल कवर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि कितने फॉर्म्स होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट सम फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन भी तीन फॉर्म्स हम यहां पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, सेकंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, एंड थर्ड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अनइक्वल ट्रीटमेंट टू गर्ल्स और वुमेन, कंसिडरिंग देम इनफीरियर टू बॉय और मैन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट होना, बॉयज और गर्ल्स को दोनों जो ट्रीटमेंट है, मतलब जो बॉयज और गर्ल्स को जो तुलना में गर्ल्स को लेस वेटेज देना, मतलब उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना। जैसे अगर बात करें इन इंडिया डिफरेंस इज नोटिस, किताब में देखें, इन डिफरेंस इज नोटिस इन सोशल इविल सच एज फीमेल फोर्टिसाइड। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि भ्रूण हत्या की जाती है, पेट में ही मार दिया जाता था फीमेल्स को, ये काफी समय से चला आ रहा था। अच्छा, इसके बाद में डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम क्या होता था, डोरी सिस्टम में मनी, गुड और स्टेट दैट अ वुमेन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज, मतलब क्या, दहेज। डोरी सिस्टम मतलब दहेज। और एक और है पैट्रियार्चल सिस्टम में क्या होता है, मेल डोमिनेशन, मतलब जो हमारी सोसाइटी है किस पे मेल डोमिनेटेड है। अच्छा, एंड चाइल्ड मैरिज। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये जो डिफरेंसेस हैं, मतलब फीमेल फोर्टिसाइड, ब्रूज हत्या, डोरी, पैट्रियार्चल सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, अब इसकी वजह से क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। और इसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बेस्ड डिविजन की वजह से गर्ल की चाइल्ड ग्रोथ में अफेक्ट हो रहा है, उनके हेल्थ में अफेक्ट हो रहा है, उनकी एजुकेशन में अफेक्ट हो रहा है, एंड थस हर एंटायर लाइफ इज अफेक्टेड, और उनकी इस वजह से उनकी एंटायर लाइफ अफेक्ट होती है। द इंडियन गवर्नमेंट, इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च भी की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि डेडिकेटेड है वेलफेयर से, मतलब भलाई से, किसकी भलाई से, फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड, लड़कियों से। तो ये होना नहीं चाहिए, पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम देखते हैं डोरी सिस्टम स्टिल अप्लीकेबल, है ना, पैरिचुअल सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल फोर्टिसाइड्स, भ्रूण हत्या, तो स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग, वी हैव टू स्टॉप देम, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। अच्छा, रेस से क्या मतलब है, रेस क्या समझते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव हो रेस की वजह से भी हो सकता है क्या। अच्छा, रेस होता क्या है, ये भी देखते हैं। चलिए,
थर्ड लाइन पे किताब में देखें आप और अंडरलाइन भी करें, रेस रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ ग्रुप के लोग जिनके क्या है सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच इज स्किन टोन सेम है, हेयर टेक्सचर सेम है, फेशियल फीचर सेम है, तो वो क्या मानते हैं कि वो एक ग्रुप मतलब एक रेस के हैं, है ना, एक प्रजाति के. तो पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रेस हैव डिफरेंट स्किन कलर, और उनका मानना है कि जो पीपल जो दूसरे रेसेस के हैं दूसरी प्रजाति के उनके डिफरेंट स्किन कलर है. तो ये क्या करते हैं, रेसिज्म करते हैं. रेसिज्म क्या होता है, इज द बिलीफ, अंडरलाइन करें इस टर्म को, रेसिज्म क्या है, इज द बिलीफ दैट सम रेसेस आर सुपीरियर टू अदर. इसको अंडरलाइन करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो रेसिज्म क्या होता है कि रेसिज्म ऐसा बिलीव ऐसी धारणा इन्होंने बनाई है कि जो कुछ जो रेसिस मतलब कुछ प्रजाति सुपीरियर दूसरों से बेहतर है, बेस्ड ऑन वेग्यू आइडियाज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्किन कलर के बेसिस पे, उनके एथनिक बैकग्राउंड के बेसिस पे उनको सुपीरियर बताना. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब पूरा टर्म बताया ना कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इज एनी एक्ट दैट ट्रीट पीपल ऑफ अदर रेसेस इन डिफरेंट मैनर. तो क्या करता है, एक प्रजाति दूसरे प्रजातियों को दूसरे ट्रीटिंग मतलब उसे अलग से ट्रीट करती है. जैसे यहाँ पे आप फोटो देखेंगे, सी दिस पिक्चर एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द वेटिंग रूम हियर. वेटिंग रूम वो स्थान होता है जहां पे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, है ना. पर यहाँ पे इन्हें स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बोल दिया कि फॉर व्हाइट ओनली, कि जिनका कलर जिनकी स्किन कलर व्हाइट है ओनली वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं. बाकी अगर कोई काला है कोई दूसरे कलर का है वो यहाँ पे आके वेट नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, विश्राम नहीं कर सकता. सो ये क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है. मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ हम ट्रीट कर रहे हैं कुछ पीपल को डिफरेंट मैनर में ट्रीट कर रहे हैं, कुछ को अलग कर रहे हैं. जैसे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपार्थिड सिस्टम लागू हुआ, जिसकी विच मीन्स अपार्थिड इन साउथ, विच मीन्स अपार्थिड इन अफ्रीकन. वी शैल रीड अबाउट इट इन नेक्स्ट चैप्टर. अच्छा ओके, वी विल. तो व्हाट इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट, के हम किसी पर्टिकुलर रेस को किसी प्रजाति को डिफरेंट मैनर में ट्रीट करते हैं और किसी दूसरे को डिफरेंट मैनर में ट्रीट करते हैं. एक को आप सुपीरियर मानते हो और बाकी को आप इंफीरियर मानते हो. तो जैसे यहाँ पे हमने अभी ऑलरेडी एग्जांपल देखा, पर्टिकुलर ग्रुप को आप एक किसी ग्रुप को व्हाइट पर्सन को, जैसे आपने बोल दिया कि व्हाइट स्किन वाले अच्छे रहते हैं तो उनके साथ में अच्छा बर्ताव होता है, बाकी दूसरों के साथ में बुरा बर्ताव होता है. तो दैट इज जॉब में, बाकी वेरियस एक्टिविटीज में इसका प्रभाव दिखता है. तो ये क्या है, रेस डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि होना नहीं चाहिए बट एट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है, देखने को मिलता है ना. नाउ डिस्क्रिमिनेशन, इको डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किस बेस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है. चलिए देखिए, द फोर मेन कास्ट, देखो कास्ट सिस्टम इज एन एशियन प्रैक्टिस इन इंडिया इन विच सोसाइटी डिवाइडेड. जो कास्ट सिस्टम जिसमें क्या सोसाइटी डिवाइडेड है ग्रुप पे, है ना, बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन. तो जो कौन कौन सी कास्ट है, चार कास्ट है, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वेश और शूद्र. अच्छा चारों देखो दे रखिए. अब इनके देखो क्या करते हैं, ब्राह्मीण लोग के प्रिस्ट मतलब भगवान के अवतार होते हैं जैसे पंडित वगैरह, क्षत्रिय लोग के वॉरियर्स लड़ाकू रूलर्स, वेश्य मतलब जो स्किल्ड ट्रेडर्स, जो मतलब जो कोई स्किल्ड होते हैं ऑक्यूपेशन में, मतलब उनके पास कोई हुनर होता है. शूद्रास मतलब इनको एक लास्ट कैटेगरी में रख दिया गया, अनटचेबल्स सबसे बिलो, मतलब छुआछूत जिनको अछूत कह सकते हैं आप, अनस्किल्ड वर्कर जिनमें कोई स्किल नहीं है. तो चार भागों में बांट दिया इन्होंने, कास्ट सिस्टम ऑलरेडी चार भागों में बटी हुई है ना. तो अब इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. देखो ये फोटो देख रहे हैं आप, वोट हु कौन है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, हु वर्कड हार्ड टू इलिमिनेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. इन्होंने काफी प्रताड़ना झेली बिकॉज ओनली बिकॉज क्योंकि ये क्या थे, ये शेड्यूल कास्ट के थे, दलित परिवार से थे. तो क्या हुआ था इनके साथ में, भीमराव अंबेडकर जो कि
अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने काफी मतलब स्ट्रगल फेस किया इक्वलिटी के लिए, और काफी इन्होंने आगे बढ़ के राइट, दलित के राइट के लिए भी आवाज उठाई। अच्छा, जो अंबेडकर थे उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ वायलेंस, काफी वायलेंस सहा इन्होंने, है ना। एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय द टीचर इन द स्कूल, स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, ऊंची जाति को मतलब सुपीरियर माना जाता था और नीची जाति वालों को कमजोर या फिर इंफीरियर माना जाता था। एंड वॉस मेड टू सीट ऑन द फ्लोर, और जैसे अपर जाति वालों को टेबल कुर्सी पे बिठाना, नीचे वाले को, अब ये क्या थे, शेड्यूल कास्ट के थे तो इनको नीचे जमीन पे बिठाया जाता था, रॉन्ग था ये। ओवरकमिंग ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स, तो अम्बेडकर साहब ने इन सब ऑब्स्टेकल्स मतलब दिक्कतों का सामना करते हुए फिर भी वो क्या है, अम्बेडकर बिकेम, अंडरलाइन करेंगे इसको सभी, अम्बेडकर बिकेम द फर्स्ट शो कॉल्ड अनटचेबल टू कंप्लीट ग्रेजुएशन इंडिया। इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट अनटचेबल थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इंडिया में, और यही वो बंदे थे जिन्होंने क्या किया, उसके बाद में ये स्कॉलरशिप मिली और हायर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क चले गए। देन आफ्टर रिटर्न आने के बाद में एक वीकली जर्नल इन्होंने स्टार्ट की जिसका नाम था मुक नायक, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया द ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम, मतलब द कास्ट सिस्टम की जो रूढ़िवादी कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। और इन्होंने डिमांड किया रिजर्वेशन, किसमें रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए, इनको अपलिफ्ट किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, और ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी थे। एंड द रिटन डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन लॉ, आज की तारीख में टू मिटिगेट द बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, शेड्यूल कालीन दलितों की बैकवर्डनेस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए। उन्होंने रिजर्वेशन भी स्टार्ट किया है, एक एक्ट भी बनाया है, देखो अंडरलाइन करो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। मतलब कोई भी अगर जो लोअर कास्ट वालों को मतलब प्रताड़ित करेगा तो वो इस एक्ट के जरिए उसको सजा मिलेगी। ओके, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए और काफी प्रोग्राम स्टार्ट किए। दिस वी हैव रीड अबाउट द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हमने क्या पढ़े, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमने अभी पढ़े, जो डिस्क्रिमिनेशन तीन तरह के डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस एंड कास्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द अवर लास्ट पार्ट, स्टेप टुवर्ड इक्वलिटी एंड हार्मोनी। अब गवर्नमेंट ने आफ्टर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड एक्टिविटीज से ज्यादा प्रभावी नहीं हुई, इसलिए गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स भी बनाए। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स बनाए, लेट्स सी दिस फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स हैव आल्सो बीन एम्ड टू Overturning the inequalities in Indian social practice, और ये fundamental की right की इसका aim ही यही था कि जो inequalities है इसको दूर किया जाए। So first right, they have been used to abolish untouchability in caste system। जो fundamental rights है वो कैसे use में आए, कि abolish करने में, कि जो छुआछूत की और caste system की जो ये काफी समय से रूढ़िवादी orthodox system चल रहा है इसको दूर किया जाए, इसको abolish किया जाए। दे प्रोहिबिट, और ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये क्या करते हैं, दे प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब जो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं जो कि बेस्ड होता है किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, प्रजाति रेस रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड, या फिर किसी प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह से अगर बंदा आया तो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सो दे ऑल्सो फॉरबिड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, चाइल्ड लेबर, और ये दूर भी करते हैं कि जो इलीगल जो होती है ना ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड को काम करवाया जाता है, उनको फोर्सली जबरदस्ती लेबर बनाया जाता है, तो इन चीजों को रोकना। अच्छा, फिर ये क्या प्रोवाइड करते हैं,
अच्छा देखो, दे प्रोवाइड फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड रिलीजन रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, के सभी को रिलीजियस फ्रीडम है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है. नेक्स्ट, दे प्रोटेक्ट कल्चरल एजुकेशन राइट, इसमें इसकी वजह से हमारे कल्चरल और एजुकेशन राइट भी काफी हद तक क्या हुए हैं, प्रोटेक्ट हुए हैं. रिलीजियस माइनॉरिटी अलाउिंग देम टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, और जो रिलीजियस जो गिनी जो माइनॉरिटी कम लोग हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में हैं, उनकी लैंग्वेज भी प्रिजर्व रहे, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए. एंड ऑल्सो स्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और वो भी अपने स्टेब्लिश कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी इन द सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी socially and economically backward class or scheduled caste tribes by providing reservation. और government ने क्या किया, reservation दिया. Right to freedom of speech and expression gives one the right to freely express one view through press, assembly, association. और तो fundamental rights के द्वारा, जो हमारे constitution fundamental rights के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमें right है speech का, expression का freedom है हमें, है ना. तो हम हमारे इस राइट को यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेस के द्वारा, असेंबली में, एसोसिएशंस में, यूनियन बना के, है ना. तो ये क्या है, दिस इज द स्टेप टुवर्ड द इक्वलिटी एंड हार्मोनी, की किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाए. सो दिस इज द एंडिंग ऑफ अवर चैप्टर. थैंक यू. एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.